अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मैं ताहिर कुदूस आपकी खिदमत में हाज़र। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर इस वक्त लॉकडाउन का असर नज़र आ रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं आपसे रूबरू हूँ सरहदी तहसील करना से, जहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई दुकानों को जो है खोला गया है और उनको छूट दी गई है टाइमिंग के हिसाब से। ये ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आपके सामने मैं इस वक्त ला रहा हूँ सरहदी तहसील करना से, जहाँ से आपको ये बताते चलें कि 100 से ज़ायद जो हैं पॉजिटिव केस इस वक्त एक्टिव हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए करना एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की पुलिस ने जो है ग्राउंड पे जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है लॉकडाउन और पूरे मार्केट को जो है सीज कर रखा है। हर जगह आपको पुलिस के बैरिकेड्स और उसके अलावा जो है यहाँ पे पुलिस के नाके आपको नज़र आएंगे, जो इस चीज़ की यकीन दहानी करवा रहे हैं कि पूरे करना के अंदर जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि माह रमज़ान का महीना जो है अलविदा हो रहा है हमसे और चंद ही घंटों के बाद जो है साल का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर आने वाला है, लेकिन उसके मद्देनज़र भी जो है खाली एसेंशियल कमोडिटीज़ को ये इजाज़त दी गई है कि वो जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं और वो टाइमिंग के हिसाब से खुल सकते हैं। उसके बाद आप रोड देखेंगे बिल्कुल सनसान पड़े हुए हैं और अगर बात करें हम यहाँ पे मार्केट की तो वो भी बिल्कुल सनसान है। कोई भी इंसान, कोई भी गाड़ी जो है, कोई भी आपको पब्लिक मूवमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है वहाँ पे कहीं ना कहीं करना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको बिल्कुल फॉलो करके और यहाँ पर ग्राउंड पर जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं करना से ताहिर कुदूस।